हेलो दोस्तों, एडगोआ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बोया BYM1 जो कि एक लावालियर माइक है, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे साथ में और उसके साथ में जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो आप देख सकते हैं BYM1 यहाँ पर लिखा है, स्मार्टफोन कैमरा DSLR और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा है माइक। ये देखिए, बाकी स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए बॉक्स, अच्छी तरीके से पैकिंग, मैंने ऑनलाइन मंगाया दोस्तों। ये खोलने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है। बहुत ही अच्छा माइक है दोस्तों, इसमें एक्सटर्नल यानी अलग से पावर सप्लाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा नॉइस कैंसलेशन आपको मिलता है, लगभग 6 मीटर की वायर आपको मिलती है। ये देखिए, अनबॉक्स हमने कर लिया है। यहाँ पे बॉक्स पाउच आपको लेदर पाउच मिलता है, उसके साथ ये वारंटी गारंटी कुछ कार्ड है, उसका मैनुअल है। मैनुअल में कुछ बैटरी किस प्रकार से उसमें डालनी है वो दिखाया गया है। ये सिलिका जेल है और उसके बाद में ये हमारा बोया BYM1 माइक है दोस्तों। इसको वायरलेस के जैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वायर बहुत 6 मीटर यानी बहुत हो गई दोस्तों हमारे लिए। ये इसकी पिन की, ये देखिए इस प्रकार की पिन होती है। देखिए अभी इसके एक्सेसरीज हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले और इन टिप्स के बारे में जानते हैं। ये उसका क्लिप है, ये देखिए, ये आपको टाई करने के लिए ये उसका एडाप्टर है। और ये देखिए इस प्रकार से ये सेल है इसकी पावर की। ये लगभग साल भर आपको चल जाएगी अगर आप इसे ऑफ कंडीशन में रखते हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है दोस्तों कि ये सेल आपको साल भर तभी आएगी जब आप इसे ऑफ कंडीशन में रखेंगे। जब ये देखिए यहाँ पे ये कंपार्टमेंट है, ये रेड आपको दिखना चाहिए। देखिए ये जब आपको ग्रीन दिखेगा तो इसकी बैटरी कंज्यूम हो रही है, और जब रेड दिखेगा तो बैटरी कंज्यूम नहीं हो रही है। देखिए इसको इस प्रकार से अनस्क्रू करके यहाँ पे हमें बैटरी को इंसर्ट करना है। देखिए इसमें ये बैटरी, ये इसमें जो डायरेक्शन दिखाया गया है वो रॉन्ग है डायरेक्शन दोस्तों। नीचे की साइड में पॉजिटिव है और ऊपर की साइड में नेगेटिव है, उसे आप अच्छी तरह से कर लें। अभी जो मैंने बैटरी डाली है वो उल्टी है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे यहाँ पे इंडिकेशन दिया है मैंने डाली है, लेकिन बाद में मैंने वो चेंज कर दी क्योंकि आपको उल्टी डालनी पड़ती है वरना ये माइक ऑन नहीं होता। अगर आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सीधे आप लगाइए, ये एडाप्टर है उसका, बड़ी पिन जहाँ पर होगी वहाँ पर लगाना है। और दोस्तों मोबाइल के लिए जब आप लगाएंगे तो सीधे आप लगाइए और उसे ऑफ रहने दे या मोबाइल के मोड में रहने दे। उसके ऊपर लिखा है दोस्तों मोबाइल और कैमरा का मोड है DSLR, कैमरा मतलब DSLR है दोस्तों। तो चलिए इस कवर को लोड करके और उसके बाद में हम क्लिप लगाते हैं और इसे शुरू करते हैं। और एक दोस्तों, जैसे जब आप लैपटॉप में इसे कनेक्ट करते हैं तो इसके मैनुअल पर लिखा है कि आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे ऑन करना है दोस्तों। अभी रिकॉर्डिंग में मैंने इसको टेस्ट किया, जब भी आप लैपटॉप में, मेरा डेल का लैपटॉप है, वहाँ पे इसे इस बैटरी पावर को ऑन करना पड़ रहा है दोस्तों। ऑफ मोड पर ये नहीं हो रहा, जबकि इसका मैनुअल कह रहा है कि आप ऑफ मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका आवाज़ जो है कैमरा का, जो डिवाइस का साउंड, आपको लो लेवल पे करना है वरना हिस साउंड, एक सो टाइप का साउंड इसके साथ आपको अलग से आता है दोस्तों। इसके लिए जब भी आप रिकॉर्डिंग कुछ भी इसका इस्तेमाल करें तो पहले साउंड का टेस्टिंग कर लें, हर एक डिवाइस पे टेस्टिंग कर लें। एक एक बार क्या होता है कि आपका स्विच जो है बैटरी पावर ऑफ पोजिशन में रहती है और आप पूरा रिकॉर्डिंग कर चुके होते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले इसका आवाज़ का एक टेस्ट वीडियो ऑडियो पहले बना लें। ये देखिए सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं,
अभी देखते हैं इसके आवाज। सभी विदाउट माइक से है, अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर दी है और अब आप आवाज सुन सकते हैं, ये अलग आवाज है।